कहानी ग्राम प्रधान की जुबानी हकीकत जानने पहुंची जेके न्यूज की टीम। आज हमारी टीम द्वारा चमोहा ब्लॉक के ग्राम पंचायत तरौली जनूबी के विकास कार्यों का जायजा लिया गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भारत सिंह द्वारा बताया गया कि पिछले 3 वर्षों में उनके ग्राम पंचायत ने काफी विकास कार्य कराए गए हैं। कई इंटरलॉकिंग खरंजे, नाली निर्माण व विद्यालय में टाइल्स के साथ बाउंड्री वॉल और शौचालय भी बनाया गया है। इसके साथ ही RRC सेंटर का निर्माण भी कराया गया है और गांव में मिनी सचिवालय का भी निर्माण कराया गया है। ग्राम पंचायत में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन गांव में पानी की टंकी बनाने का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है, जिससे कि पानी की समस्या से न जूझना पड़े। आइए सुनते हैं तरौली जनोवी ग्राम पंचायत की कहानी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भरत सिंह की जुबानी। मेरा नाम भरत सिंह है, तरौली जनोवी से। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं? हाँ जी। तो आपने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में गांव में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? मैंने RRC सेंटर बनवाया जी, और सड़क बनवाई है, खरंजे हैं जो इंटरलॉक, और हेडपम्प बनवाए हैं, और पंचागर बनवाया हुआ है, मोटर शॉप दुकान बनवाई है, और खेल मैदान बनवाए हैं, और मतलब जो कि अमृत शॉप बनवाया हुआ है, और मतलब जो गुरु की जगह जो कब्जे हथकाए हुए कब्जे खाली करवाए हैं, ये काम किए हैं मैंने। प्रधान जी, बताया जा रहा है कि जहाँ आज ये पंचायत भवन है, ये भी कभी किसी का कब्जा हुआ करता था? हाँ, इस पर कब्जा था, और मतलब जो ये दबंगा आदमी घेर रखा था, तुम बताओ, ये मैंने खुलवाया है। अच्छा, यदि हम आपके गाँव में पीने के पानी की बात करें तो क्या व्यवस्था है पीने के पानी की? पीने के पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, और मतलब ये लोग बाहर से पानी भर के लाते हैं, तुम बताओ। कितनी दूर से पानी लाना? करीबन 1 किलोमीटर दूर से। गंगा जल योजना अभी नहीं आई है? गंगा जल योजना की टंकी बन रही है, और मतलब यह कह अब हम काम चालू है। आपने कभी कोई ऐसा प्रयास किया जिससे कि गांव में पानी आ सके? हाँ, प्रयास किया है, टंकी को प्रयास भी नहीं तो किया है। हाँ, प्रस्ताव भेजा है, टंकी का प्रस्ताव मैंने किया है। प्रधान जी, दूसरी ओर अगर हम बात करें संतान भूमि की, तो गाँव में संतान भूमि की क्या स्थिति है? कहीं किसी का कब्जा वगैरह? संतान भूमि में कोई कब्जा नहीं है, और मतलब यह बाउंड्री हो रही है उसकी, और वहाँ पर छतरी बनेंगी अब। व्यवस्था बढ़िया है? हाँ, ठीक है। तो गांव में साफ सफाई की अगर बात करें? गांव साफ सफाई तो अच्छी है ही नहीं हमारे यहाँ। सफाई कर्मी है आपके गांव में? दो सफाई कर्मी है। पर्याप्त मात्रा में सफाई हो रही है? हाँ, बढ़िया मात्रा में है, और मतलब जो कहूँ कमी होते तो प्राइवेट लेवल लगाता हूँ मैं। और गाँव में स्ट्रीट लाइट की अगर हम बात करें तो कितनी स्ट्रीट लाइट है? हमारे यहाँ जो लट्ठा लाइट लगी है, जो मैंने 125 लाइट लगवाई। आपने लगवाई? हाँ जी। शिक्षा की अगर बात करें? शिक्षा काम सही है हमारे यहाँ, स्कूलों का काम, विद्यालय बढ़िया चल रहा है। विद्यालय मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।